तो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2024 के इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले इस कंपाउंड का नाइट्रेशन करवाया है तो आपका ए बना है, और इसके बाद आपने Br2Fe से ट्रीट किया है तब आपका बी बना है। तो आपको बताना है बी क्या है, ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं थंबनेल में, आप वहां से ट्राई भी कर ले पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसका नाइट्रेशन हम करवाते हैं। तो दोस्तों नाइट्रेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नाइट्रेशन आपका ऐसे होता है HNO3 और H2SO4, या ये क्या करते हैं HNO3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो HNO3 का अगर मैं दोस्तों स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनता है N डबल बॉन्ड O माइनस और O H नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है आपका HNO3 है, दिस इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो अब ये आपका बन गया, और यहाँ पर है H2SO4, तो मैं ऐसे ले H2SO4 को लिख सकता हूँ H और HSO4 H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 दोस्तों आपको ध्यान रखना है एज अ बेस काम करता है, यानी कि H2SO4 से दोस्तों यहाँ पर H+ निकलता है, तो यहाँ से दोस्तों H+ निकलेगा और वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर दोस्तों आपका क्या है लोन पेयर है उसके ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका लोन पेयर को अटैच कर देगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको मैकेनिज्म समझना चाहिए, और इससे आपको एक और बात पता चले कि जो H2SO4 है आपका क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये H+ इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे H+ निकल गया तो ये बचा HSO4-, और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर हुआ अटैक, तो ये हुआ आपका OH2+। अब दोस्तों आप जानते हैं OH2+ जो है बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये क्या बनाने की कोशिश करेगा, ये आपका पानी बनाने की कोशिश करेगा। तो आपके पास OH2+ है, कहीं से अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर ये H2O बन जाएगा, तो ये यहाँ से दोस्तों नेगेटिव चार्ज उठा लेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेगा तो फिर यहाँ पर और दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आपका आने लगेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दे देगा। तो अब यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर जब दोस्तों ये H2O आपका निकल जाएगा, पर H2O निकल जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आने लगा था, तभी ऑक्सीजन ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो आपका खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों बनेगा क्या, ये दोस्तों आपका बनेगा N डबल बॉन्ड O, और एक पहले से पॉजिटिव चार्ज था तो ये प्लस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर ये बना। अब ये क्या बना, इसको दोस्तों हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, ये अब दोस्तों ये क्या करेगा, नाइट्रोनियम आयन जो है आपका अटैक करेगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, बेंजीन के अंदर मिलेंगे, क्योंकि बेंजीन के पास है बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा नाइट्रोनियम आयन बन गया है, यानी कि ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इसको चाहिए आपका इलेक्ट्रॉन, तो अब ये जाएगा बेंजीन के पास। आइए आपको समझ में आया, तो आपको मैकेनिज्म से ये बात ध्यान रखना है कि H2SO4 acts as a base और HNO3 आपका काम करता है as acid, HNO3 यहाँ पर काम करता है एसिड की तरह और H2SO4 काम करता है बेस की तरह। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक नाइट्रोनियम आयन हमारा बन चुका है, वो क्या है N डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस। तो अब दोस्तों ये क्या करेगा, बेंजीन इसको लाना चाहता है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको जो है इसकी तरफ धकेलेगा, या फिर आप कई बुक्स में देखेंगे कि डायरेक्ट इस पे अटैक कर रहा है, तो वो भी एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले नेगेटिव आएगा तो ये जाके वहां पर जुड़ जाएगा, तो अब ये वहां पर जाके दोस्तों जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से शिफ्ट किए यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब ये अपने पॉजिटिव वाली पोजिशन से जाके यहाँ पे दोस्तों जुड़ जाएगा। तो अब दोस्तों ये यहाँ पर जुड़ेगा N डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि N डबल बॉन्ड O जब जुड़ेगा, जब यहाँ पर दोस्तों आपका N डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, तो नाइट्रोजन की आपकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, चार हो सकती है, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था यहाँ पर ले लेगा, तो यहाँ पर ये सिंपल NO2 आपका लग जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा NO- ये आपका हो जाएगा, तो जुड़ा क्या NO2 आपका जुड़ गया। अब यहाँ पर दोस्तों
हम एक और बात देखें तो यहाँ पर इसकी दोस्तों स्टेबिलिटी लूज हो गई, क्योंकि बेंजीन खुद बहुत ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस से, तो अब इसको फिर से चाहिए आपकी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ये तो आपका आ गया, यहाँ पर ये तो आपका आ गया, ये आपका NO2 तो यहाँ पे लग गया कि ना चाहिए स्टेबिलिटी। तो ये एच क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर दे के इलेक्ट्रॉन अपना निकल जाएगा और एच प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, डी प्रोटोनेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, तो फिर से बेंजीन हो जाएगा। तो ऐसे ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, NO2 आपका लग जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर लग सकता है दोस्तों, अब ये पता चलेगा कि NO2 कहाँ लगेगा, मैंने आपको बताया कहाँ पे लगेगा। अब दोस्तों ये NO2 जो है दोस्तों, जो OC2H5 है, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये दोस्तों आपका एक प्लस एम ग्रुप होता है, और ये दोस्तों आपका एक ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ये आपका ग्रुप होता है। तो या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। हमें मेजर पार्ट बताना है, तो मेजर कहाँ लगता है, पैरा पे लगता है। तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, NO2 आपका लगेगा। तो ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ कंप्लीट, मैंने आपको थोड़ा मैकेनिज्म बताया तो थोड़ा सा टाइम लग गया, तो ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर बनाया Br2Fe। अब यहां से क्या लगेगा, Br लगेगा। तो Br कहाँ लगेगा, NO2 दोस्तों कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, NO2 दोस्तों एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है थ्रू आपका जो माइनस एम, ये आपका ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और ये जो है दोस्तों ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसके मेटा पोजीशन पे Br आपका लग जाएगा। आप यहाँ या फिर यहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका Br लग जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास दोस्तों फाइनली ये आपका बन के आ जाएगा, ये जो कंपाउंड है ये आपका बन के आ जाएगा। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा बनेगा, ये आपका बन के आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कंप्यूटर पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहां पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। जेई के और पीवाई के देखने हैं तो आप वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं नीचे की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।